मंदसौर जिले के बोलिया नगर में कीटनाशक घास खाने से 30 से 40 गायों को घायल अवस्था में नगर के गौसेवकों ने देखा तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि कितनी गायों को एक साथ क्या हो गया। गायों की घायल अवस्था देखकर गौसेवकों ने देर न करते हुए पशु चिकित्सक एवं कंपाउंडर को सूचना दी। पशु चिकित्सक डॉक्टर रामनिवास पाटीदार एवं कंपाउंडर रमेश चंद्र तुरंत घायल गायों के पास पहुंचकर उपचार शुरू किया। इस घटना की जानकारी डॉक्टर के एस अगर पशु चिकित्सक अधिकारी गरोड़ को लगी तो वे भी अपनी टीम के साथ बोलिया नगर आए। उससे पहले ही उपचार के दौरान 8 गायों की मौत हो चुकी थी। बाकी घायल गायों का उपचार देर रात तक जारी रहा। पशु चिकित्सक का कहना है कि 8 गायों की मौत किस वजह से हुई है, गायों का पीएम करने के बाद ही पता लगेगा, ये जांच का विषय है। नायब तहसीलदार पंकज जाट गरोट ने घायल एवं मृत गायों का निरीक्षण किया। इस घटनाक्रम में नगर के गौसेवक एवं पशु चिकित्सक डॉक्टर रामनिवास पाटीदार, कंपाउंडर रमेश चंद्र, चौकी प्रभारी SI तोमर उपस्थित थे। आप देख रहे हैं मंदसौर जिले के बोलिया से अशोक पाटीदार की रिपोर्ट। आप सब समिति के जो सदस्य हैं और आज किस प्रकार से घटना घटी जो हमें सुनने में आया, तो ये घटना क्या है आप हमें इसका थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। सुबह 11 बजे करीब हमें पहला पेशेंट बस स्टैंड श्री राम मंदिर के पास मिला। सूचना आई थी कि यहाँ कोई जानवर बीमार, हम वहाँ गए, हमने देखा, हमने अपने पाटीदार जी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं एक विजिट में हूँ, यहाँ सामने सूरा केड़ी, वहाँ से भी आता हूँ। 10 मिनट में वो आए और रमेश जी अलावा जो कंपाउंडर है ये आए, प्राइवेट सेक्टर के 3-4 लड़के, सभी की सेवाएं चालू हुई। हमने वहाँ उस पेशेंट का इलाज कर ही रहे थे कि इतने में एक कॉल और आता है कि बस स्टैंड माता जी गेट के यहाँ पे एक जानवर बीमार। हम वहाँ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि एक बीमार और बाजार के अंदर क्रम वाइज, मतलब यूँ करते करते मतलब ये क्रम लगातार चलता रहा। निरंतर कम से कम 7 जानवरों का हमने इलाज कर दफोड़ तक किए, उसके बाद ये कदम शाम तक चलता रहा। कम से कम 20 से 21 जानवरों का ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें से 6 से 7 जानवर की डेट हुई है। अब ये तो कन्फर्म हुई कर स्वास्थ्य विभाग के क्या कारण है, और बाकी मुंह में जाएगा ना, और संभावना ऐसी दिख रही है कि किसानों की जो चर्चा है कि ये पॉइजन मतलब फसलों में कीटनाशक हो सकता है। अब ये जांच का विषय है, स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा। और सुबह से जो यहाँ के जो अधिकारी थे यहाँ पर जो पशु चिकित्सक यहाँ के, उन्होंने अच्छा योगदान दिया यहाँ पे। सुबह से जो कंपाउंडर साहब थे उन्होंने भी अच्छा अपना यहाँ योगदान दिया। सुबह से मतलब बिना सुबह से खाना नहीं खाया, बिना खाना खाया, बिना खाया, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक उन्होंने अपनी मेहनत करी, जहाँ तक उनसे बना पूरा कार्य किया। उसके बाद फिर गरोड़ स्वास्थ्य विभाग को उनने सूचना दी और वहाँ से अभी 6 बजे के आसपास टीम आई और सभी ने अच्छा काम किया। वहाँ से जो टीम आई गरोड़ से, वहाँ उन्होंने भी अच्छा अपना सराहनीय काम किया, गोली दवाई वगैरह सब वो एक्स्ट्रा भी दिए। जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जो पशु चिकित्सा अधिकारी बोलिया अस्पताल में है, पाटीदार जी नाम बताएं इनका, आप पूरा नाम बताएंगे। आर एन पाटीदार जी, राम निवास जी पाटीदार, इनका सहयोग आप बता रहे हैं कि काफी भरपूर अच्छा सहयोग रहता है इनका। अच्छा, और किस प्रकार से यहाँ पर आप सब लोगों की जो मदद रही है वो भी देखने को मिली है हमें, यहाँ से पता चला शासन की पूरा ट्रीटमेंट, यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में हमारे जो मेडिकल है उन सबकी दवाई हमने करीब करीब सभी दवाई खत्म हो चुकी है मेडिकल प्राइवेट की, तो और बाकी बाहर से जो टीम आई थी वो लेके आई है बाटले वगैरह, भी ये चल रहा है। कुल मिला के जो यहाँ का लोकल जो चिकित्सा अधिकारी, इनने अच्छा अपना योगदान दिया, शानदार। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप इनकी जो जिस प्रकार से ना सेवा से जो कार्रवाई करी उससे आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, लेकिन पूरी सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, अच्छा योगदान दिया, बहुत शानदार। और कहीं ना कहीं बस दुख इस बात का है कि गौ माता जो है अपन उसका इलाज करने के बाद भी तक हो सके हमने इलाज किया, बहुत सारी गाय हमारे इलाज के कारण बची भी है, और जो ज्यादा जितने ज्यादा पॉइजन हो गए थे शरीर में उनको हम नहीं बचा सके। बड़े हास्य को छोटा रूप मिला, समय पे उनकी सेवा हो चुकी, सभी सदस्य जो हैं गौशाला के सभी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया, गाँव से भी सब तरह से सहयोग मिलता रहा, तब जाके सारे जो पशु हैं मतलब एक बड़ी घटना को छोटा रूप बचा लिया। पर अगर 40 गाय बीमार हुई तो 40 तो कम से कम एक जगह रही होगी, 40 वो एक जगह से खाया तो नहीं हो सकता है, वो मालूम नहीं रहा किधर जाती होगा, कौन सी गाय किधर जाती है। पोस्टमार्टम करने के बाद तो मालूम पड़ेगी, पोस्टमार्टम करने के बाद पता चल जाएगा, नहीं तो इसमें ऐसा कीटनाशक से मरी है कि ऐसा कुछ पॉइजन वगैरह है। पॉइजन मतलब कुछ ऐसी चीज जो शरीर को बुरी हो रही है।
नॉर्मल में नहीं खाना चाहिए, ये समझ में आ जाएगा कि ऐसी चीज खाने से मरी है जो उसको सर्वाइव नहीं करने देती है। अब शेष जो क्या चीज हो सकती है, कि कौन सा केमिकल है, मान लो कोई कीटनाशक का केमिकल निकलता है निश्चित तौर पर कैसे आया, कोई सर लिक्विड हो सकता है, घास से हो सकता है। हाँ वही कह रहा है ना कि कोई भी केमिकल किसी भी पाउडर हो सकता है, वैसा लिक्विड हो सकता है, कुछ बाजार में पॉलीथिन वॉलीथिन उनके साथ जो डालते हैं वो हो सकता है खेतों पर, थोड़ी होती है सर। मैं वो नहीं कह रहा, मैं जो कई पैकिंग मटेरियल में जो केमिकल उपयोग होता है, मान लो वही जो है पानी के साथ मिल गया। और एक चीज़ और सर, पानी पी लिया सर, इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं सर कि आपकी टीम के जो सदस्य हैं आर्यन पटेल, वो सवेरे से लगे हुए हैं, मतलब लास्ट स्टेज में जाकर के हमने अनुभवी अधिकारी को अवगत करवाया, देन तब तक तो हमने इस चीज़ को संभाला, पहले बताना लोग संभाल रहे थे संभाला, जब हमारी स्थिति इस चीज़ से नियंत्रण से बाहर हो गई तो हमें सूचना करना उचित लगा। और ये ज़्यादा जरूरी था कि यहाँ की टीम, ये तो लोकल जो है इनका सपोर्ट रहता है, तो डॉक्टर साहब ने पूरा सपोर्ट किया। हाँ डॉक्टर साहब ने बताया, सभी लोगों ने सहयोग किया, बहुत बढ़िया नंबर लोगों को भी लगाया, उनने उनके बाद जो सीख रहे हैं। हाँ वो तीनों साथ में जिस तरीके से भी सहयोग कर सकते हैं, मतलब बहुत से नए कोई स्पीच बनना सिखा देगा तो जो है आपकी जो समिति वगैरह।